अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया कुछ भी? अच्छा, बाल को ना डाई करती हूँ, साथ ट्रिमिंग वगैरह जो कटिंग होगी, सो मैं आपको डाई के बाद मिलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आसपास फैमिली। तो जिसने नहीं किया अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और जल्दी करिए सब्सक्राइब और बन जाइए आसपास फैमिली के मेंबर। तो जैसे कि गाइज आप लोगों ने देखा है कि पूरे रमजान माशाल्लाह से इफ्तारियां, सहरियां, दावतें और टेबलें वगैरह सजाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अब बारी है खुद पे इन्वेस्ट करने की, खुद को सजा दे की। जी हाँ जी, आज की जो वीडियो है वो है जी हम लेडीज से रिलेटेड, क्योंकि हम लोग जा रही हैं सैलून सर्विसेज लेने के लिए। कौन सी सैलून जा रही है, क्या कुछ होने वाला है और क्या कुछ हम करवाएंगे, वो सारी डिटेल्स आपको वीडियो के चलते मिलती रहेगी। तो चले जी टाइम वेस्ट के बगैर हम लोग चलते हैं, क्योंकि पहले भाभी और किंजा दोनों जा चुकी हुई है अपना काम करवाने के लिए, और यहाँ पर महरमा को मैंने संभाला हुआ है कि सुकून से जो है ना भाभी अपना काम करवा ले और फिर मैं इसको साथ ले जाऊंगी और वहां जाकर शूट करते और देखते भाई उनका काम कहां तक पहुंच जाए। तो चले जी चलते हैं हम भी सैलून। A few inches later, हम आ गए हैं जी सैलून, और जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ आपको सारा कुछ उसके बारे में बताती हूँ। लेकिन पहले मैं ये चीज बता दूँ, ये पेड प्रमोशन नहीं है, हम खुद सर्विसेज लेने आए, क्योंकि सैलून बहुत खूबसूरत बना हुआ है। और उनके मैनेजर के साथ मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि आप जब आएंगी ना इकरा, जब आप हमारी सर्विसेज लेंगी आपको खुद ही पता लग जाएगा कि कितना वर्थिट है। अब चलते हैं अंदर और जाकर देखते हैं उनका काम शुरू हुआ है कि नहीं हुआ। बात हमारे लिए तो ये है, हाँ, कि हमारे घर के बिल्कुल भी बहुत अच्छा सैलून हो गया। और इस सैलून का नाम है जी आरफाज सैलून मेकअप सिटी। सबसे बड़ी बात तो ये होती थी कि हमें दूर जाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, बहुत ज्यादा, इसलिए हम दूर दूर किसी भी सैलूनों में नहीं जाते थे। जो हमारे घर के करीब होते थे हम इसलिए वहीं नहीं जाते थे बस। तो ये हमने अल्लाह का चलो की शुक्र अदा किया कि हमारे घर के करीब बहुत ही अच्छा सैलून बन गया। चले अंदर चले। ओके जी, हम लोग अंदर आ गए और यहाँ पे हमें वाउचर्स मिल गए हैं। सो वी आर फोर पर्सन्स। और जी, सो माय नेम इज इकरा। ओके, फुल नेम इकरा आहत। यू कॉन्टेक्ट। यहाँ पर मिलिए जी साहिबा भाभी और किंजा से। तो यार अभी तक आप लोगों ने स्टार्ट नहीं किया कुछ भी? अच्छा, हाँ कपड़े वगैरह खराब हो जाएंगे तो वो चलो भाई अब हम चेंज करवा कर, यानी कि चेंज करके खुद मिलते हैं आपको भाई 2 मिनट के अंदर अंदर, फिर आपको मैं बताती हूँ। और मेरी आवाज़ इतनी गूंज रही है क्योंकि ये सैलून अभी न्यू है, और अभी ये ऊपर वाला इनका पार्ट है, और फिर जो है ना नीचे जाकर जो हम जहाँ पर हमने अपना करवाना है काम, वो फिर आपको नीचे जाकर हम दिखाते हैं। चलो भाई। ओके जी, तो यहाँ पर सब ने गाउन शाउन पहन लिए, अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, अब सब अपनी अपनी जगहों पे पोजीशंस पे बैठ गए हैं, और जिसने जो जो करवाना है वो करवाना है के लिए तैयार है। किंजा का जी फेशियल है, भाभी का भी फेशियल है, और मामा का हाइड्रा फेशियल है भाई। तो अब हम सब अपने अपने काम जो है शुरू करने लगे हैं। मेरी जो बारी है वो मैं एंड पर शूट करूँगी, जब पहले मैं इनका थोड़ा थोड़ा सा शॉट ले लूँ, उसके बाद फिर मेरी बारी आएगी। यहाँ पर जी आ गई है मैनी पैडी किट भी, और बहुत ही प्यारी इन्होंने प्रेजेंटेशन दी हुई है इसकी, बहुत खूबसूरत लग रही है। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोसीजर मैनी पैडी का। तो ये है जी मैनी पैडी सेशन, लेकिन मेरा काम है जी मेन ये कि मैंने करवाना है कलर, और कलर देख लिया, ये फ्रीशिया का ही कलर होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पर मामा को स्टार्ट हो गया है पॉलिशर लगना। यहाँ पर जी किंजा का मसाज शुरू हो गया है, मसाज हो रहा है यहाँ पर, और अभी इसके बाद इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ठीक हो गया। चले जी साहिबा भाभी को भी अब पॉलिशर लगना हो गया है शुरू। किंजा का फेशियल स्टार्ट हो गया है, और फेशियल में स्क्रबिंग और चीज़ें दूसरी वगैरह ऐड है। और यहाँ पर ओके जी, तो यहाँ पर हाइड्रा मशीन भी आ चुकी है, और अब मामा का होने लगा है फेशियल स्टार्ट। इनकी थाली भी यहाँ पर रेडी हो गई है, और मामा से पूछते हैं जी मामा आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, मसाज करवा के क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, बल्कि मेरा जो फेस है वो इस कदर नीट एंड क्लीन हो गया ना कि वाकई देख के बहुत खुशी हो रही है। तो जो इनका हाइड्रा भी है वो इनकी ऑनर खुद करने लगी हैं आकर, तो अब देखते हैं कि मामा का कैसा एक्सपीरियंस रहता है। मेरमा आपने कुछ करवाना है? नहीं,
पहले इनकी क्लेंजिंग कर चुके हैं, स्क्रबिंग कर चुके हैं, अब एक्सफोलिएटिंग जेल लगा रहे हैं ताकि मज़ीद इनके जो डेड स्किन हैं वो सॉफ्ट हो जाए, जिसको हम फिर डर्माब्रेशन के साथ उसको रिमूव करेंगे। ओके, चलें जी, प्रोसीजर हो गया स्टार्ट। कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा, सुकून मिल रहा है। सुकून मिल रहा है, सही हो गया। तो सर्विसेज कैसी लग रही हैं? बहुत अच्छी। अभी कब स्टार्ट करवा रहे हैं? जब मेरा आप लोगों का ख़त्म होगा। अच्छा अच्छा, तभी फिर शुरू करवाएंगे। थोड़ी देर ही रहेगी। चलो मैं अब ऊपर जा रही हूँ, फेशियल करवाने के लिए। यस मैडम, आपकी सर्विस होगी पूरी। फेस बहुत नीट हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है। अब प्लकिंग और अपर लिप रह गई है ना। चले जी, यहाँ पर अब साहब भाभी का फेशियल हो गया है जी, शुरू। अब भाभी को नींद आ जाएगी और वो सुकून से सो जाएंगी। चले भैया, मैं आपको थोड़ी थोड़ी क्लिप्स बस दिखा सकती हूँ, क्योंकि सब ने गाउन पहने हुए, इसलिए मैं कुछ कुछ ही कैप्चर कर सकूँगी इसीलिए। लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी मिल रही हैं भाई, सब बड़ा खुश हो रहे हैं। और मम्मा सो गई हैं, हेलो। मम्मा को मज़ा ही इतना आ रहा है, मम्मा सो गई ऊपर, भाभी भी सो रहे हैं, कह रही मैं भी अब सोने लगी हूँ, जाओ नीचे कैमरा बंद करो। पर मज़ा आ रहा है। अच्छा लग गया, ठीक हो गया। चलें जी, चलो जी, यहाँ पर मामा को मास्क लग चुका है। अप्रॉक्सीमेटली कितना टाइम लगेगा? 10 to 15 minutes। ओके जी, यानी कि आज लेडीज़ की किचन से छुट्टी होने वाली है। आज हमने कोई काम नहीं करना घर जाके। चलें जी, अब मैं अपना काम स्टार्ट करवाती हूँ और फिर मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर बाद। चले जी, यहाँ पर सारी सर्विसेज हो गई है डन, और यहाँ पर भाभी और किंजा जा रहे हैं घर, और मुझे अभी टाइम लगेगा क्योंकि मेरा भी हेयर कलर होना है। मेरा जो काम था वो बिहाइंड द कैमरा हो गया। सो कैसा फील हो रहा है? हल्का हल्का मुंह से। हाँ जी, बोझ कम हुआ है, ऐसे लग रहा है सारी चीज़ें बोझ कम हो गया। हाँ जी भाभी, आप बताएं। मुझे भी बहुत मजा आया, खासकर मसाज का। मसाज का मजा है भाभी ने, भाभी ने सही खुल के मसाज कराया, दिल खोल के लेट के मसाज कराया। ठीक है, मुझे लगता है कि हमारी इफ्तारी मेरी और मम्मा की इधर ही हो जाएगी। तो अब आप लोग घर जा रहे, क्योंकि इसने ना इसने तूफान मचाया है, घर जाना है, घर जाना है, घर जाना। तो हमें अभी 1 घंटा लगेगा, तो फिर इंशाल्लाह घर पे मुलाकात होती है। ठीक है, 2000 years later। चले जी, अब है जी हेयर कलर टाइम, और अब देखते हैं जी कि मेरे बालों में कितना चेंज आता है और क्या लुक निकलती है। अभी बिफोर तो ये है, लेकिन लेट्स सी आफ्टर में क्या रिस्पांस आता है और किस तरह का कलर ये मुझे देंगी। तो अभी मुझे भी आइडिया नहीं, उन्होंने कहा कि आप बेफिक्र हो जाएं, तो मैं आपको खुद ही अपने तरीके से ही आपके बाल को ना डाई करती हूँ, साथ ट्रिमिंग वगैरह जो कटिंग होगी। सो मैं आपको डाई के बाद मिलती हूँ, कलर वॉश होने के बाद देखते कि क्या लुक आती है। अफ्तारी हो चुकी है और यहाँ पर जी जो है सलोन के ओनर, उन्होंने हम सब के लिए अफ्तारी मंगवा ली है, और अफ्तारी में उन्होंने पिज़्ज़ा पार्टी आज करवा दी है भाई, ज़बरदस्त। अब हम अफ्तारी करने लगे हैं, बिस्मिल्लाह पढ़ के। कलर मेरा हो गया है, यानी कि कवर किया हुआ है। अभी थोड़ी देर में आपसे मिलती हूँ मैं अफ्तारी के बाद। यहाँ पर जी अब मेरे बालों को हीट दी जा रही है, क्योंकि बाल मेरे हैवी हैं, इस वजह से ना कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। उन्होंने कहा कि हीट देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने कट डाउन नहीं करवाया। और बस जी बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं अभी तक, इसलिए सबसे पहले उनका काम हो गया था और मैंने कुछ भी अपना नहीं शूट करवाया हुआ था। तो मैंने कहा चलो बाद में सही, जब मेरी बारी आएगी फिर मैं दिखाऊंगी कि मैं क्या करवा रही हूँ। अब हो रहा है हेयर वॉश, और देखते हैं, मैं खुद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्या कलर आएगा। होपफुली कि जैसा मैंने चाहा है वैसा ही बहुत अच्छे वाला कलर मिल जाए। तो जैसे मेरे हेयर वॉश होते हैं ना, तो ड्राई के बाद मैं आपको उसका शेड दिखाती हूँ। ओके जी, सो मेरा हेयर कट हो चुका है। सो अब आई एम ऑल्सो एक्साइटेड कि क्या लुक क्रिएट की है उन्होंने, क्योंकि मैं खुद यहाँ पर शूट कर रही हूँ अकेली, तो इसलिए लेट्स सी। सो मेरे साथ साथ आप लोग भी तैयार रहिएगा। 3, 2, 1 टन टन। मेरी हेयर कटिंग की लुक वेरी नाइस, बहुत प्रिटी हेयर कट दिया है, क्योंकि वो कह रही थी आपको हेयर कट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आपके बाल बहुत डैमेज है। बट बहुत 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 प्यारी लुक दी उन्होंने, आई एम लविंग इट। सो ये थे जी मेरी हेयर कट, टी टाइम। ये लीजिए मम्मा, अभी थक गई हैं मेरे साथ साथ, लेकिन मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज थे। बहुत ज़्यादा, हाँ, और बहुत खूबसूरत मेरे बाल। चलो शुक्र है बाल अच्छे लगे, बच्चे के आपको होपफुली अच्छे लगेंगे इंशाल्लाह। चलिए अभी चाय पीते हैं, बहुत टाइम हो गया, घर से भी फ़ोन आ रहे हैं। चलो जी, यहाँ पे मेरा हेयर कट वगैरह फाइनल हो गया है, और मुझे कि मेरी लुक बहुत 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 अच्छी लग रही है। तो थैंक यू वेरी मच आर्टा सलोन, आपने मुझे इतनी अच्छी लुक दी है।
अगर इनके मैं एम्बियंस की बात करूँ, इनका एम्बियंस बहुत 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 प्रिटी है, आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया। इनका स्टाफ बहुत अमेजिंग है। उसके अलावा मैं आपको इनका बेस्ट पार्ट दिखाना चाह रही हूँ, क्या है, आए मेरे साथ। अच्छा जी, ये जो आप कैबिन देख रहे हैं, यहाँ पर होती है कंसल्टेशन क्लास, यानी कि जो भी क्लाइंट आता है उसके साथ पहले कंसल्टेशन की जाती है, चाहे वो बालों से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, या स्पा वगैरह से रिलेटेड हो। वो प्रॉपर कंसल्टेशन करने के बाद आप लोगों को गाइड करते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। और मुझे बहुत 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 मज़ा आया, पर्सनली मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। इंशाल्लाह हम दोबारा भी आएंगे, विजिट करेंगे और दोबारा भी हम सर्विसेज लेंगे इनसे। सो अब चलते हैं घर, और घर जाकर जो है ना, आपको बाकी लोगों का भी रिएक्शन नोट करते हैं कि उनको कैसे लगेंगे मेरे बाल। सो जो भी इस जगह पर रिलेटेड हैं, जो भी लोग यहाँ पर नियरेस्ट रहने वाले हैं, उन लोगों को पता लग गया होगा कि मैं इस टाइम किस सैलून में हूँ। तो आप लोग भी आइएगा, जो पहले से इनके क्लाइंट हैं उनको तो पता ही होगा, मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच आपका सैलून कि आपने इतनी अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं हम सबको, और हम सब बहुत सेटिस्फाइड हैं। तो चलिए सब घर चलते हैं। ये सारा कुछ मैंने फिलअप कर दिया है, सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, स्टाफ बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, एंड थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, थैंक यू। हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है, अच्छा हेयर कट वाउचर है, आप एनी टाइम ईद के बाद आके हेयर कट करवा। ओ वाओ, फ्री हेयर कट वाउचर है, तो ये साहिबा भाभी मैं आपके लिए ले रही हूँ। अगर आपने इजाज़त दी कि आपने करवाना है हेयर कट, तो आप आइएगा। आपने कहा कि मैंने अपने बालों को नहीं छिड़वाना, लेकिन उन्होंने फिर भी हेयर कट दे दिया फ्री। और ये जी इनके कार्ड्स हैं, सो थैंक यू वेरी मच जी। इनका स्टाफ बहुत अच्छा, थैंक यू गर्ल्स, थैंक यू। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस ईद मुबारक। फाइनली जी हम घर आ गए हैं, और अभी दिखानी बाकी है दोनों भाभियों को, यानी कि साहिबा भाभी और किंजा को मेरी फाइनल लुक। आई होप सो कि उनको अच्छी लगे, लेकिन सबसे पहले तो वो शॉक्ड होंगे ना, मैं बात छुपा छुपा ना। आपको कैसी लग रही चची, पहले ये बताओ बहुत अच्छी। क्या किया, कैसी लगी, क्या किया मैंने, क्या करवाया चची ने, बाल कट करवाया, कैसी लग रही, मजेदार मजेदार। तो चची और मामा किधर है, किंजा चची को भी मामा को भी, जल्दी जल्दी जाओ, आवाज दे जल्दी आवाज दे। आज मम्मा चची बॉबी, ये कब, अब कटिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं था, सिर्फ कलर करवाने गई थी किंजा, पर बड़े प्यारे लग रहे हैं, नहीं चला रहे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। मैं समझ रही थी कि मैं माशाल्लाह से शेर था, तो छोटे बालों में अजीब ही लगूंगी, नहीं बहुत अच्छे लग रहे। कलर के बाद उसने कहा कि इकरा आपके बाल बहुत रफ हो गए, मैं आपको एक हेयर कट की जरूरत है, बहुत प्यारे लग रहे हैं, अच्छा किया कट करवा लिए। वैसे भाभी ना डरती थी, कहती थी मैंने नहीं करवाने, कैसे के लगे लंबे बाल, बहुत डरती थी, हेल्दी हूँ पता नहीं कैसे लगेंगे, कैसे के नहीं लगेंगे। हाँ जी भाभी, अब आपका माइंड बन रहा है कुछ कटिंग का, नहीं जी बाल दिखाए आप अपने, जरा भाभी थोड़े तो अब छोटे करा लो, मेरे छोटे हो गए, करवा ले यार, करवा ले छोटे। नहीं मुझे ना आपके लिए एक गिफ्ट भी मिला है, लेकिन वो क्या मिला वो आप लोग में देखना, पर वो कब मिलेगा वो मैं आपको जल्दी बताऊंगी। अच्छा गिफ्ट क्या है, बस ये है कि आपका हेयर कट मैंने करवाना है, मैंने सोच लिया, नहीं भाभी कलर भी नहीं करवाती, हेयर कट तो करवाओ, कलर तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो हेयर कट तो करवा लो, बहुत अच्छा लगता है यार, हेयर कट करवा ले, तीनों एक जैसी हो जाएंगी, करवा ले करवा ले। तो मैंने ना इस बार सोचा कि मैं कर डालूंगी वालों, अच्छा चलो वो है अभी ईद के बाद ही, ठीक है। अच्छा जी, अब भाभी की न्यू लुक के लिए आप लोग रेडी रहेगा, वो कब होगी, किस वजह से हो रही है और क्यों दे रहे हैं वो आपको मैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी ईद के बाद। तो ये थी जी मेरी फाइनल लुक, आई होप कि मैं जो है आहद का भी रिएक्शन नोट कर सकती, पर आहद नहीं है, वो खैर से आएंगे 12-1 बजे के करीब, लेकिन मुझे व्लॉग अपलोड करके आप लोगों को देना भी है। सो ये थी जी आज की हमारी सारा दिन की सैलून की वीडियो, बहुत तकरीबन हम 10-11 घंटे बाद हम जा रहे हैं, 12 बजे गए थे, 11:30-12 बजे के हम गए हुए, और पूरे 10 बजे हम घर आए। लेकिन मुझे तो मुझे सबसे ज्यादा महरमा थकी है, सो गई है, सो गई है, अच्छा पूरा दिन हमारे साथ रही है ना, भाभी को थक भी तो गए थे, हम तो फिर भी बैठे रहे, तो चलो जी। अच्छा जी, अब हम आपको इंशाल्लाह अपनी ईद कलेक्शन के साथ मिलेंगे, मैं हर व्लॉग में कहती हूँ, लेकिन मेरी मम्मा जो है ना थोड़ा सा उनकी तबीयत नहीं ठीक थी, लेकिन हम उन्हीं के ही बनाए हुए, क्योंकि
उनके बनाए हुए कपड़ों में ना बड़ा प्यार होता है, तो हम सेटिस्फाइड भी उसी के साथ ही हैं। तो इंशाल्लाह कल मैं शूट करूंगी उस वीडियो को, आज आप इस व्लॉग को एंजॉय करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा, खुदा दा वास्ता जे अच्छे अच्छे कमेंट करना, दुआ में याद रखना हम सबको। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें आसपास फैमिली को, ज्यादा से ज्यादा करें सब्सक्राइब, और हमें इजाजत दीजिए, हम बहुत ज्यादा थके हैं। अल्लाह हाफिज़।